नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ बीएड जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, जिनके आगामी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है विद्यार्थियों। और आपकी जो अधिगम के लिए आकलन वाली जो पेपर नवम है उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक थ्योरेटिकल आता है और एक आपका जो न्यूमेरिकल है वो टॉपिक आता है। तो आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मान लो अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप की परिभाषाएं, और इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति के जो तीन मान है आपका मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, इनका केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है इनका शिक्षा में क्या क्या उपयोग होता है, किन किन चीजों को करने के लिए इनका उपयोग होता है, ये सब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, किसी आवृत्ति वितरण में कौन सा केंद्र के पास है, मतलब ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जितने भी अंक आपको दिए गए हैं उनमें से किस बिंदु को आधार बना करके उसका हम क्या कर सकते हैं, उस आवृत्त सारणी के आधार पर एक ऐसा औसत निकाल सकते हैं जिसके माध्यम से हमें उस आवृत्ति, उस वर्गीकरण का आकलन हम कर सके, इसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। किसको कहते हैं, किसी आवृत्ति वितरण में कौन सा केंद्र के पास है, तो जो केंद्र के पास होगा वही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। उसके बाद आता है एक और, इसकी अर्थ हम कह सकते हैं एक ऐसा मॉडल जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती है, आसपास उसके संक्रियाएं या संख्याएं होती है, उनमें से जो मैन प्रतिरूप होता है उसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। इसे ऐसा प्रतिरूपी मूल्य जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती है उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। जैसे मैं बोलूं आपके सामने संख्याएं दी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये संख्याएं देने के बाद हमने इसमें जो एक केंद्र होगा वो कौन सा होगा, 4। तो 4 के आसपास अनेक संख्याएं होती है लेकिन 4 उन सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, तो 4 यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब है समूह के प्राप्तांकों को एक ही प्राप्तांक द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संज्ञा दी जाती है। तो समझ में आया क्या कि किसी आवृत्ति वितरण में जो केंद्र के पास है वही केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ऐसा प्रतिरूपी मॉडल जिसके चारों ओर अन्य संख्याएं होती है उसे भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। इसके अलावा समूह के प्राप्तांकों को एक ही प्राप्तांक के द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। अब आता है सिम्पसन ने कहा कि वह विशिष्ट मूल्य जिसके चारों ओर अन्य मूल्य संगठित हो, जिसके चारों ओर अन्य मूल्य संगठित हो, ऐसा विशिष्ट मूल्य जिसके चारों ओर अन्य असंगठित मूल्य संगठित हो उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। ठीक है, रॉस क्या कहते हैं, रॉस कहते हैं कि वो मान जो सारे आंकड़ों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा मान जो बाकी सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कून ने कहा वह विशिष्ट संख्या जिसके निकट अन्य प्राप्तांक होते हैं उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। तो अगर आपसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की परिभाषाएं पूछ ली जाए तो विद्यार्थियों आपको 3 परिभाषाएं लिखनी है, सिम्पसन की, रॉस की और कून की। सिम्पसन
विशिष्ट मूल्य जिसके चारों ओर अन्य मूल्य संगठित हो। रॉस वह मान जो आंकड़ों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता हो। आंकड़ों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व की बात कहता है रॉस। विशिष्ट मान जो अन्य आंकड़ों का अन्य चारों ओर भी जिसके ओर मूल्य हो। मूल्यों की बात करता है सिंपसन और विशिष्ट संख्या की बात करता है कूल। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, अगर आपसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की विशेषताएं पूछ ली जाए तो इन तीनों परिभाषाओं को आपको एग्जाम में लिखना है। जो एग्जाम आपके 29 सितंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी बीएड कॉलेज हैं उनके एग्जाम्स 29 सितंबर को आने वाले हैं। उन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की तीन परिभाषाएं ध्यान रखनी है, सिंपसन, रॉस और कून। अब बात आती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का उपयोग क्या है, क्यों हम इनका उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान में आपका मीन, मीडियम और मोड, ये तीनों चीजें हमें याद होती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से। और हम आंकड़ों का जो अव्यवस्थित रूप है उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं और किसी एक इकाई को प्रतिनिधित्व प्रदान करके श्रेष्ठ इकाइयों का प्रतिनिधित्व उस एक विशिष्ट मूल्य या एक विशिष्ट संख्या को प्रदान कर दिया जाता है। तो मध्यमान मतलब मीन, मध्यमान मतलब औसत, जिससे हम औसत निकाल सकते हैं। जैसे कि कक्षा में आपके 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो 50 का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। किस आधार पर निकालना है, वो निकालता है आपका मध्यमान। तो मध्यमान कब निकाला जाता है, जब हमें शुद्ध मान की आवश्यकता होती है तो हम मध्यमान की आवश्यकता से उसका औसत निकाल सकते हैं। समस्त प्राप्तांकों को समान महत्व प्रदान करने में भी मध्यमान का अपना महत्व होता है। उसके बाद दो या तीन श्रृंखला के केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों की तुलना करनी है। तो मान लो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, उन तीनों का औसत निकाल करके हम उनके मध्य तुलना कर सकते हैं कि एक क्लास में कितने बच्चे प्रथम श्रेणी से हैं, कितने द्वितीय श्रेणी से हैं, कितने तृतीय श्रेणी से हैं। यह हम मध्यमान की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो शुद्ध मान निकालना है, शुद्ध मान निकालना है, समस्त प्राप्तांकों को समान महत्व देना है, तो हम क्या करते हैं, उसका मध्यमान निकालते हैं। कि दो या तीन श्रृंखला की केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की अगर हमें तुलना करनी है तो भी हमें मध्यमान की आवश्यकता पड़ती है। मध्यमान की सहायता से ही बहुलक याद किया जा सकता है, माध्य विचलन ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक और माध्य विचलन दोनों का आकलन मध्यमान के बिना ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो मध्यमान का ना केवल केंद्रीय प्रवृत्ति या विद्यार्थी का तुलनात्मक अध्ययन करने में उपयोगी है, गणितीय संक्रियाओं में सभी में आपका मध्यमान का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। विद्यार्थी शोध कार्यों में भी आपके मध्यमान का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों मध्यांक, मीडियम। मीडियम आपको पता है अंकों का वितरण विकृत व असामान्य हो तो क्या होता है, एक उसका एक मीन तैयार, मीडियम तैयार कर लिया जाता है। उसका मध्य भाग निकालने के लिए हम आरोही और अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करते हैं। तो किसी भी अंकों को या किसी भी श्रृंखला को वर्गीकृत या व्यवस्थित करने में किसका योगदान होता है, आपके मीडियम का योगदान होता है। और मीडियम ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी इकाई को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी अंकों का वितरण अगर विकृत है, असामान्य है, तो उसको सामान्य और वर्गीकृत करने में आपके मध्यांक की आवश्यकता पड़ती है। बहुलांक की गणना करनी है तो भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, मध्यांक की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविक बिंदु की आवश्यकता पड़ने पर कि कौन से बिंदु को आधार हम बना सकते हैं, तब भी मीडियम की आवश्यकता होती है। अब आता है विद्यार्थियों आपका बहुलक।
बहुलक का यूज अनुमान मात्रा की जानकारी प्राप्त करने में, किसी भी चीज का अनुमान हमें लगाना है कि कितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है, तो हम बहुलक के माध्यम से लगा सकते हैं। वितरण प्रणाली के कोई अंक छूट गया है तो हम बहुलक के माध्यम से इस बात का पता लगा सकते हैं कि वित्तीय प्रणाली में। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, जितने भी व्यापारिक और वाणिज्यिक उद्योग हैं उसमें सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो है आपका बहुलक। व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से बहुलक इंपॉर्टेंट है। आपकी जो श्रृंखलाएं हैं, शोध कार्य हैं, उनमें मीन और मोड का मेन रोल होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का जो यूज है, ना केवल दैनिक कार्य, छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन, छात्रों का निष्पत्ति मूल्यांकन, छात्रों का मापदंड मूल्यांकन, सभी में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय प्रवृत्ति वाला जो आपका मीन है, मीन निकालने का मतलब है राशियों की संख्या और राशियों के योग का औसत निकाला जाता है। तो हम किस क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम मध्यमान निकाल सकते हैं। अगर अव्यवस्थित आंकड़ा है उसको व्यवस्थित करना है तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ करके दो का अगर भाग दे देंगे तो उसका मीडियम निकल आता है। लेकिन अगर व्यवस्थित आंकड़ा है और उसमें से अगर हमें मीडियम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, निम्नतम सीमा एन टू माइनस एफ, इसके नीचे आता है एफ, संचयी आवृत्ति से ऊपर वाला भाग, और ये संचयी आवृत्ति का जो अंक प्रदान किया है बारंबारता सारणी का वो एफ है। ठीक है विद्यार्थियों, और ये है आपका आई। आई मतलब है वर्गांतर, इतना वर्गों का अंतर है, उसके माध्यम से हम मध्यांक का आकलन करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनका आकलन कैसे करते हैं। लेकिन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या है और इनके उपयोग क्या है, तो ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखवाया है। और अगर आप उसको भी लिख करके आ गए तो आप बीएड सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स ला सको तो हमारे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि अब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है तो आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ, परिभाषाएं और उनके उपयोग, इन तीनों को एक बार जरूर पढ़ के जाइए, जरूर मेरे वीडियो को एक बार देखिए। अगर आपने एक बार भी इस वीडियो को देख लिया तो वहां जाकर के आप 5-6 लाइन तो इजीली कर लोगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 3 परिभाषाएं हैं, सिंपसन, रॉस और कुन। विशिष्ट मूल्य की बात करता है सिंपसन, मान की बात करता है रॉस, और विशिष्ट संख्या की बात करता है कुन। ठीक है विद्यार्थियों, सभी असंगठित क्षेत्रों के बीच का जो माप होता है, जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे के वीडियोस में मैं ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो नवभारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।